नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और आपके साथ मैं हूं युविता दास। आज फिर हम आप लोगों के सामने हाजिर है एक नए मुद्दे को लेकर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच अब मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की है, जिसके बाद यह जो प्रस्ताव है अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हाथ भिजवा दिया गया है, जिस पर राज्यपाल की मुहर लगने के बाद आगे की गतिविधियां जो है वो शुरू की जाएंगी। दरअसल आपको बता दें कि आखिरी जो विधानसभा सत्र था वो 24 मार्च को किया गया था और नियमों के अनुसार हर 6 महीने में विधानसभा सत्र बुलाना अनिवार्य होता है, जिसके मद्देनजर रखते हुए अब ये जो सत्र है वो 21 से 23 सितंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। अब हमारा मेन मुद्दा यह है कि इस विधानसभा सत्र में क्या क्या चुनौतियां सरकार को झेलनी पड़ सकती है या किन किन चुनौतियों का सरकार को सामना करना पड़ सकता है, तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिनसे हम जानेंगे कि किन किन परेशानियों का या किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार मुस्तफा जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान को इस विधानसभा सत्र में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए योगिता, सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र हो ही नहीं पाया है। आखिरी सत्र तब हुआ था जब कमलनाथ चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद जब शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद की शपथ ली 23 मार्च को, तो उन्होंने 24 से 27 मार्च तक विधानसभा का सत्र बुलाया था, लेकिन केवल वो सत्र 10 मिनट चला, उन्होंने बहुमत साबित किया और उसके बाद विधानसभा स्थगित हो गई, क्योंकि इस दौरान जो विपक्ष था कांग्रेस उस समय सदन में आई ही नहीं। उसके बाद अगला सत्र उन्होंने 20 से 24 जुलाई को बुलाया था, लेकिन कोरोना काल के चलते इस दौरान एक सर्वदलीय बैठक हुई और ये तय किया गया कि इस दौरान विधानसभा चलाना ठीक नहीं है, तो सर्वसम्मति से ये फैसला ले लिया गया कि विधानसभा के सत्र को आगामी तारीखों के लिए टाल दिया जाए। तो यदि हम बात करें तो 6 महीने में, जैसा आपने कहा कि हर हाल में सत्र बुलाना ज़रूरी है, तो अब वो डेडलाइन आ गई है, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को सत्र बुलाना ही पड़ेगा। और ये सत्र बुलाना इसलिए भी लाजमी है कि यदि विधानसभा नहीं चलेगी तो विधायक अपनी बात विधानसभा के पटल पे कैसे रख पाएंगे, क्योंकि जनहित के जो जुड़े मुद्दे हैं, जो जनहित से जुड़े सवाल है, जिनका हल जो है उन विधायकों को सरकार से पूछना है या सरकार का ध्यान उन मुद्दों की तरफ दिलाना है, तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा का सत्र बुलाना आवश्यक है। और रही जो चुनौतियों की बात है, तो सरकार के सामने चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि एक लंबा पीरियड हो गया इस दौरान विधानसभा नहीं चली। दूसरी खास बात है कि कोरोना काल के चलते मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन काफ़ी देरी से हुआ, उसके 100 दिन बाद विस्तार हुआ और फिर पोर्टफोलियो बंटने में भी काफ़ी दिन लगे, तो विभागों ने मध्य प्रदेश में सही तरीके से काम करना शुरू नहीं किया, जिसके कारण सरकार की गवर्नमेंट मशीनरी पे वो पकड़ नहीं बन पाई जो बननी चाहिए। तो आज कहीं ना कहीं वो वाय सैकड़ों मुद्दे खड़े हैं जिसके कारण आम लोग दुखी हैं। चाहे हम बिजली के बिलों का मुद्दा उठा लें, जिसके कारण गरीब तबके को काफ़ी परेशानी हो रही है, बेहिसाब बिल लोगों के पास आ रहे हैं, तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है और ऐसे तमाम मुद्दों पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार से जवाब मांगा जा सकता है। और कांग्रेस भी, चूंकि उपचुनाव के पहले ये विधानसभा सत्र होना है, तो कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि विधानसभा में किस तरह बीजेपी को घेरा जाए, शिवराज सरकार को घेरा जाए, तो ये विधानसभा सत्र कई महीनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में सरकार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर अपनी इतनी पकड़ नहीं कर पाई है, तो क्या ऐसे में विधानसभा सत्र करवाना ठीक रहेगा? नहीं, विधानसभा सत्र एक अलग चीज़ है और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ एक अलग चीज़ है, वो सरकार का अपना निजी मामला है। विधानसभा एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो विधायिका है, कानून बनाती है, वहाँ पे सारे विधायकों को बैठना और प्रदेश के मुद्दों पे चर्चा करना वो लाजमी है, ज़रूरी है। विधानसभा आयोजित नहीं होगी तो आम लोगों से जुड़ी दुख दर्द की बातें सरकार की जानकारी में कैसे पहुँचेगी? और रही बात तो गवर्नमेंट मशीनरी पे की ऊपर सरकार का कितना पकड़ है,
ये सरकार की अपनी स्थितियों पर डिपेंड करता है। चूंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 23 मार्च को सीएम शिवराज की शपथ के बाद से एमपी में कहीं ना कहीं वैसी पकड़ इस समय शिवराज की नहीं दिखती है, उनके मंत्रियों की नहीं दिखती जैसा कि पुराने 3 कार्यकालों में थी। तो ये कोरोना काल की वजह से भी है, क्योंकि सरकार डिस्टर्ब है और जिस तरह से एक मीटिंग है या दूसरी चीज़ें जो सरकार के स्तर पर होती वो नहीं हो पा रही है, उसके कारण कहीं ना कहीं लगाम थोड़ी ढीली है। मुस्तफा जी, जैसा भी हम जानते हैं कि अभी कोरोना चल रहा है तो उससे हमारे प्रदेश की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी इफेक्ट हुई है। ऐसे में 6 महीनों से जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें फंड्स नहीं मिल पाए हैं। यदि हम उद्योग विभाग की बात करें तो उसकी भी साइट्स काफ़ी टाइम से बंद है, तो क्या इस तरह के मुद्दे भी विधानसभा सत्र में उठाए जाएंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली। जैसा अभी उद्योग विभाग का जो बात की है, हम लोगों के पास लगातार इसकी खबरें आ रही है, शिकायतें आ रही है कि जो नए उद्यमी हैं, जो बेरोजगार युवक हैं, वो लोग उद्योग विभाग की साइट पे जाते हैं लेकिन 5 महीने से वो साइट बंद है। चूँकि साइट इसलिए बंद है कि सरकार फंड रिलीज नहीं कर रही योजनाओं के लिए। अब यदि फंड रिलीज होगा तो योजनाएं अस्तित्व में आएगी, तो लोग आवेदन करेंगे, उनको लोन मिलेगा। लेकिन सरकार के स्तर पर इस तरह के सारे काम अभी बंद है। और जो खबरें हमारे पास है वो ये है कि सरकार के पास फंड्स की भी कमी है। इस कारण से जो जनहित की योजनाएं हैं जिसमें सरकार की फंडिंग होती है, जैसे चाहे लोन हो या अन्य चीज़ें हो, उसमें जब सरकार फंड देगी नहीं, जब स्कीम लॉन्च करेगी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वो योजनाएं ठप रहेगी, बंद रहेगी। तो अब 4 महीने का ये कोरोना काल का जो पीरियड है, इसमें काफ़ी मंदी और आर्थिक तंगी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोग परेशान हैं, तो ऐसे तमाम मुद्दे विधानसभा में उठेंगे जो आम लोगों के हितों से जुड़े हैं। और फिर जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस भी इन मुद्दों पे सरकार को घेरेगी। तो मुस्तफा जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस किन इस विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों पे ज्यादा फोकस कर सकती है, या वो किन मुद्दों को लेकर शिवराज सरकार को घेरना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस को एक सुनहरा अवसर मिल रहा है सरकार को घेरने का। एमपी में 27 सीटों पे उपचुनाव होना है, 25 वो सीटें जहाँ पे सिंधिया समर्थकों ने इस्तीफा दिया और कांग्रेस का साथ छोड़ा, और 2 सीटें ऐसी है जहाँ पे विधायकों का निधन हो गया। तो 27 सीटों पे उपचुनाव एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए। तो कांग्रेस चाहेगी कि विधानसभा सत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए, उसकी सरकार को घेरा जाए और शिवराज सरकार के फेलीवर को जनता के बीच लाया जाए, ताकि इसका फायदा उपचुनाव में लिया जा सके। तो निश्चित तौर पे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, खास तौर पे जीतू पटवारी है, सज्जन वर्मा है, कुणाल चौधरी है, ये वो फ्रंट लाइन के विधायक है जो विधानसभा में मोर्चा संभालते हैं और बोलते हैं। तो और अभी कुछ दिन पहले कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष भी चुना गया है, तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस अपना दमखम दिखाएगी और जनता से जुड़े जितने भी तमाम मुद्दे हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं, बिजली के बिलों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और प्रदेश सरकार की अन्य योजनाएं जो ठप पड़ी हुई उनको लेकर, कांग्रेस उनसे दो दो हाथ करेगी और बीजेपी को पूरी तरह घेरने की कोशिश करेगी। तो अब शिवराज के सामने उपचुनाव एक चुनौती है, वहीं विधानसभा सत्र एक चुनौती है, तो ये सारे काम अब मध्य प्रदेश में चलेंगे और एमपी के अंदर अब सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ेगी और हर रोज़ आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से एक बैटल फील्ड एमपी बन गया है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में और चुनाव को। पर हाँ, एक और ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं बात सियासत की होती है, चुनाव की होती है, वोटिंग की बात होती है, लेकिन इन सब के बीच में आम आदमी खो जाता है। जो गरीबों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी के मामले हैं, उस पर कोई बात नहीं होती है। अब विधानसभा की जब बात आ रही है तो वही उपचुनाव का संदर्भ सामने आ रहा है। एक बीजेपी जहां सदस्यता अभियान चला रही है, दूसरे काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान ऐसे तमाम मुद्दों से हटा हुआ है। तो बात आम आदमी के दर्द की होनी चाहिए, परेशानी की होनी चाहिए, उसकी तकलीफों की होनी चाहिए कि सरकार का होना आम आदमी तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, क्या जो लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं उनसे क्या राशन उनको मिल रहा है कि नहीं, क्या खाद बीज किसान को मिल रहा है कि नहीं,
लेकिन इन सब की स्क्रूटनी की जगह एक बार फिर एमपी सियासत का मैदान जन का मैदान में तब्दील होने जा रहा है। दोनों ही तरफ तैयारियां जो है वो 27 सीटों के उपचुनाव को जीतने की है, ताकि बीजेपी चाहती है कि उसको कंटिन्यू कर सके और कांग्रेस चाहती है कि वो फिर बेदखल कर सके, जैसा कि कमलनाथ ने कहा था कि आज के बाद कल फिर आएगा। मुस्तफा जी, आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा सत्र के बाद मध्य प्रदेश में क्या कोई बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हो सकती है? देखिए, अभी जब से सीएम शिवराज ने शपथ ली है और एमपी के अंदर जिस तरह की स्थितियां बनी, तो चूंकि कोरोना काल चल रहा था तो अधिकांश जगह वही अधिकारी फील्ड पोस्टिंग में हैं जो कांग्रेस रेजिम में हुआ करते थे। तो बीजेपी को इस बार इस दौरान इतना वक्त नहीं मिला कि वो प्रशासनिक सर्जरी करे या अपने मुआफिक जो अधिकारी है उनकी पोस्टिंग करे, क्योंकि यदि कहीं पे कोई कलेक्टर या एसपी काम कर रहा है और कोरोना वहाँ पे फैल रहा है, ऐसी स्थिति में सरकार उनको डिस्टर्ब करती है तो निश्चित तौर पे प्रशासनिक कार्रवाई गतिविधियाँ रुकती हैं। तो इस बात का सीएम शिवराज ने पूरा ध्यान रखा, जहाँ बेहद ज़रूरी था, जहाँ से उनके पार्टी या उनके लोगों की शिकायतें ज़्यादा मिल रही थी वहाँ के अधिकारियों को तत्काल बदल दिया गया, लेकिन अन्य कई ज़िले हैं जहाँ पे अधिकारी एज इट इज़ जो है वो काम कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जब ये विधानसभा सत्र के बाद, चूँकि विधानसभा सत्र एक ऐसा माध्यम होता है जिससे पूरी स्टेट का फीडबैक आता है, सारे विधायक भोपाल में जाते हैं और सीएम से मिलते हैं या विधानसभा में अपनी बात रखते हैं, तो अधिकारियों का भी फीडबैक इस दौरान मिलता है। तो मुझे लगता है कि विधानसभा सत्र के बाद एमपी के अंदर सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कर सकते हैं, बड़े पैमाने पे एसपी कलेक्टर या फील्ड पोस्टिंग वाले जो अधिकारी उनको हटाया जा सकता है, और ये जमावट सीएम शिवराज को उपचुनाव के मद्देनज़र भी करनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सरकार अपने लॉयलिस्ट ऑफिसर्स को फील्ड पोस्टिंग देगी, उनको मैदान में लाएगी। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिन्होंने हमें बताया है कि आने वाले विधानसभा सत्र में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना शिवराज सरकार को करना पड़ सकता है। तो ये था हमारा अब तक का अपडेट। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ बने रहें वॉइस ऑफ एमपी पर, साथ ही हमारे वॉइस ऑफ एमपी ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।